सर अखंडा मूवी कैसी लगी? जी हाँ, जबरदस्त लगी, बढ़िया लगी, मैंने तुरंत ही देख ली थी। हालांकि काफी कम थिएटर्स में लगी है, हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी में जब वो रिलीज हुई है काफी कम जगहों पे देखने को मिली, बमुश्किल एक थिएटर में मिल पाया था और वो भी बहुत ही सिंगल स्क्रीन टाइप का और बहुत ही ऐसा था, लेकिन बढ़िया लगा। मैंने तो फिल्म को एंजॉय किया क्योंकि मुझे तो बढ़िया लगी फिल्म। कई सारी चीज़ें फिल्म के अंदर मज़ेदार थी, नई प्रकार की चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कि एकदम टिपिकल ड्रामा साउथ इंडियन स्टाइल की टिपिकल फिल्म, वैसी नहीं थी, बढ़िया लगी। परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, बालकृष्ण सर की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थी, मतलब एक्टर मेरे ख्याल से प्रज्ञा नाम है, क्या नाम है उन एक्ट्रेस का, उनका भी काम अच्छा लगा। मतलब ओवरऑल एक्टर्स का तो सभी का काम बहुत अच्छा है, कहानी भी इंटरेस्टिंग है। वही देखिए जो उन्होंने खदान का बताया है, माइनिंग का उन्होंने वो उसका बताया है, क्या कहते हैं, पूरी तरीके से वो जो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती रहती हैं और फिर उसके अंदर फिर वो यूरेनियम का वो निकलता है और फिर वो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं और फिर रेडिएशन से गांव वाले प्रभावित हो रहा है, फिर वो जब कहानी फिर टर्न होती है और फिर जब अखंडा की एंट्री होती है, ज़बरदस्त देखने को मिलता है, मज़ा आता है। फिर वो जो अकेला ही उनके अगेंस्ट, वो पूरे मतलब भू माफिया कह लो आप, जो भी कह लो उनको, उनके पूरों के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और जिस तरह से वो त्रिशूल के साथ वो आता है, फिर वो मतलब उसी के जैसा दिखता है मुरली की तरह, और वो मतलब बहुत ही मज़ा आता है सीन्स देखकर और जिस प्रकार का एक्शन दिखाया गया है, फिर मज़ा आ जाता है देख के, मतलब कहीं ना कहीं आप इन्जॉय करेंगे। अब खैर आपके ऊपर भी हो सकता है, मेरे ख्याल से ये फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, शायद उसमें रिलीज़ हुई थी, मतलब जो पहले साउथ की लैंग्वेज में जब पिछले साल रिलीज़ हुई थी तो लोगों ने देखी हुई है, मैंने तो नहीं देखी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था उस फिल्म के बारे में, जब हिंदी टीज़र आया था तभी देख के मेरा इंटरेस्ट जागा था और मैं फाइनली फिल्म को देखने के लिए पहुंचा, तो मैंने इन्जॉय किया फिल्म को, हिंदी में बढ़िया लगी, मुझे पसंद आया, डायलॉग्स वगैरह भी अच्छे लगे, हिंदी डबिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया ढंग से की गई है, इन्जॉयबल रहा, डायलॉग्स वगैरह मज़ेदार रहे, एक्शन के दौरान भी बढ़िया लगता है, मतलब डायलॉग्स थोड़ा सा कॉमिकल भी लगते हैं कहीं ना कहीं, मज़ेदार से लगते हैं और मतलब मज़ा आता है। ओवरऑल म्यूजिक वगैरह, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल फिल्म की जो मेन हाईलाइट है वो है फिल्म का एक्शन, जबरदस्त एक्शन है। अगर आप इसी फिल्म में पसंद करते हो तो बिल्कुल जाके देखिए थिएटर्स में।